हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 ऑनलाइन फेज 2। ये क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पहली बात, ये एग्जाम कब हुआ था? तो 4 अप्रैल, महीना 4 2024 को हुआ था। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। वैसे तो शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट टू, ऐसे एग्जाम चलते हैं, तो ये बेसिकली मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है बेसिकली बच्चों, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था, लेकिन अपने को 29 ही मिला, तो जितना क्वेश्चन मैंने ढूंढ पाया ढूंढा, तो उतने को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। मतलब एक बार चेक करते हैं किस तरीके का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो सबसे पहले, इफ ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 बोला है, प्योर वाटर देन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इस बार में दिया है, बार बोला है, 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान है। सी जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका यूज करके -0.0591 यही फॉर्मूला होता है, लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है 0। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एच प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा, क्योंकि केवल यही गिवन है। तो अब बेसिकली यहाँ पे कितना होता है, तो जो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन 10^-7 होता है, तो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10^-7 लिखेंगे, कितना 10^-7, यहाँ पे पावर में 2 लिख देंगे, तो टोटली जब इसको सॉल्व करेंगे 10^-14 बार आएगा। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, तो बेसिकली बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल। मैंने जब डी ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने ये भी बोला था कि बेटा देखो, अपने एनसीईआरटी में भी लिखा है कि स्कैंडियम हमारा केवल +3 और एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसके अलावा ये कोई नहीं दिखाता। अगर एनसीईआरटी के बाहर बात करेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन अपने एनसीईआरटी लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और इसके बाद तो जो कोबाल्ट आयरन निकल है ये वेरिएबल शो करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे। 3 में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं अमंग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे बताना है OH-H- फॉर्मेट आयन, एसिटेट आयन, एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर इनका ऑर्डर बताएंगे, तो किस तरीके से इनका ऑर्डर बताएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, पहली बात तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अगर हिसाब से हम चलेंगे तो यहाँ पे H- आ जाएगा आगे, तो यानी पहले यहाँ पे H- आ जाएगा, फिर इसके बाद H- मतलब किसमें है, 2 में है। इसके बाद देखो, आसान सही आंसर तक पहुंचने का तरीका क्या है, H- का यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे ये सबसे कम हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा जो होता है बेटा वो फॉर्मेट आयन का होगा। फॉर्मेट आयन का अगर स्ट्रक्चर तुम डेवलप करोगे तो कुछ इस तरीके से O- यहाँ पे देखोगे, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो हो जाएगा ये लास्ट में आ जाएगा, क्या थर्ड आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सेकेंड हो गया देखो आगे, और लास्ट में आ गया थर्ड, तो इस हिसाब से देखोगे तो कहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके का दिख रहा है, यानी 4 फर्स्ट फिर ये, तो इस तरीके से अगर तुम चाहोगे तो सही आंसर तक पहुंच भी सकते हो, ज्यादा फालतू दिमाग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 2 वाला सही हो जाएगा। आगे चलते, अब यहाँ पर देखो ये किस तरीके का, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन पूछा है। अब वैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरीके से कर भी सकते थे, मैं बता देता हूँ कि जैसे जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ रेसिप्रोकल होता है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के, कॉन्जुगेट एसिड के, तो अगर हम एसिड स्ट्रेंथ देखें, तो जैसे अब इनको H+ खिलाते चलो, तो H+ खिलाओगे
तो सबसे यहाँ पर मोस्ट एसिडिक नेचर का यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, इससे कम एसिडिक नेचर का कौन होगा एसिटिक एसिड हो जाएगा, इससे कम एसिडिक कौन हो जाएगा वाटर, इससे कम एसिडिक हो जाएगा एल्कोहल, इससे तो बेकार है H2 बेकार है एकदम। तो अब इसी तरीके से इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा भाई साहब, जस्ट उल्टा हो जाएगा, इससे फॉर्मेट आयन मिल जाएगा, फिर इससे ज्यादा एसिटेट आयन का हो जाएगा, फिर इससे ज्यादा OH- का, फिर RO-, इसके बाद H-। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला ऑर्डर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चल रहे अब यहाँ देखो वी आर गिवेन विथ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये रो जो हमको दिखा रही है डेंसिटी को दिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे सही आंसर को चूज करना, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रो इज इक्वल टू पी इंटू MW डिवाइडेड बाई RT। तो यहाँ पर अब पी को इधर ले लो तो रो यहाँ लिख लेंगे, ये रो है तो रो इंटू RT MW, तो फिर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो RMWT। तो स्लोप यहाँ पे क्या बनने वाला है, रो RMW। अब जो स्लोप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो क्या है डेंसिटी है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका हो जाएगा, सबसे मतलब यहाँ पे P1 का कम देन P2 लास्ट में आ जाएगा Rho3। तो इस तरीके का हमको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है बच्चों। आगे चलता हूँ, इनमें पूछा कि सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका है, ठीक है। तो बेसिकली डाइपोल मूवमेंट बात करते समय हम लोगों ने हर बार डिस्कस किया था कि बेटा देखो यहाँ पर अगर अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया में कुछ इस तरीके से होते हैं, 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे। अब लोन पेयर भी अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर बनेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, सबसे ज्यादा डाइपोल इसी का होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या है अलाइन है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुम बात करो PF5 के, तो PF5 में कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो इसके डायरेक्शन इधर बनेंगे भाई, ठीक है, और इनके डायरेक्शन इधर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल करते हुए देखेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। अब अगर NF3 में देखोगे तो NF3 में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 3 फ्लोरीन लग जाएंगे। तो लोन पेयर का तो अपना इधर डायरेक्शन रहेगा लेकिन इनका इधर बनेगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए PCl5 में भी इसी के जैसा होगा, PCl5 में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनका तो ऑलमोस्ट 0 हो गया डाइपोल मोमेंट, कहानी खत्म। अब NF3 NH3 में मैंने कई बार बताया भी है कि NH3 का ज्यादा होता है, तो फाइनल NH3 होगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखना जरा कितना आसान है, क्लेमेंसन रिडक्शन मैंने पढ़ा रखा है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, उसमें होता क्या है दरअसल, क्लेमेंसन रिडक्शन में ध्यान से समझना, जो ZnHg और कंसेंट्रेट HCl होता है रिडक्शन कराने काम करते हैं, CO को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप का एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमको दिखेगा, बेंजीन रिंग तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 आएगा तो H जुड़ेगा CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा, 2 में हमको दिख रहा है, देखो कितना आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है, तो मैंने कई बार बता रखा है भाई साहब, सब अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर ऑर्डर की बात करें तो किस तरीके से आप डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात की जो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा दिखा दिया, गलत हो गया। अब इसमें देखो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा दिखा दिया, गलत हो जाएगा, फाइनल 2 हो जाएगा, क्यों, बेसिकली नाइट्रोजन किस लिए ज्यादा होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है। और इसके बाद अगर बात करें बेसिकली बेरिलियम से ज्यादा होता है बोरान का, तो यहाँ पर बेसिकली ये हो जाएगा, तो फाइनल हमारा क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, यानी एक ऑर्डर क्या बनेगा, बोरान देन बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन का होता है, ठीक है। फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है पता है ना, इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है,
लेफ्ट टू राइट चलते तो साइज स्मॉल होने लगता है, तो फाइनली टू सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इधर देखो ये एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन इज कास्ड बाय एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होते हैं, कौन देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर ये वाला स्टेटमेंट तो सही, क्रॉस एल्डोल इज नॉट पॉसिबल बिटवीन। अब यहाँ पे बोला है क्रॉस एल्डोल जो है वहां पे नॉट पॉसिबल बिटवीन बोला है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इनमें क्रॉस एल्डोल पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे बोला इम्पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो एकदम आसान है, कॉन्सेप्चुअल है। नवा क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब यहाँ पे अपने को एल ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर पूछा गया है। देखो एकदम आसान है, बताने का तरीका मैं तुमको बताता हूँ एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो ये CHO है, पहली बात अगर ग्लूकोज का केवल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच, यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ये डी ग्लूकोज है। कैसे पता चला डी ग्लूकोज है, जब तुम नीचे वाले कार्बन से नेक्स्ट ऊपर वाले कार्बन पे देखो, इस कार्बन से जस्ट इस वाले कार्बन देखो, अगर OH इस साइड में रहेगा राइट साइड में तो डी ग्लूकोज है, और अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो एल ग्लूकोज हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो एल ग्लूकोज हो जाएगा। तो अब जरा देखना इसमें तो क्या है, OH यहाँ पे भाई साहब गलत है। अब इसमें देखना दोनों OH चेंज कर जाए, ये भी गलत है, इसमें भी दोनों चेंज गलत है। अब लेकिन इसमें देखो अगर टू में तो सब तो ठीक है, सब तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया है, जस्ट ध्यान से तुमको देखने की जरूरत है बेटा यहाँ पे, कि नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाले कार्बन पे OH इस साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी चेंज कर दिया, इसको नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ग्लूकोज का सही स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमको दिखना चाहिए। तो इसमें देखो ऑप्शन में हमको लग रहा है थोड़ा मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। एक मिनट, जब एल ग्लूकोज बनाओगे तो मिरर इमेज बना दो, तो जब मिरर इमेज में जाओगे तो एक मिनट में बना के देख लेता हूँ। तो इधर आ जाएगा OH H और तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा H OH, फिर यहाँ पे आ जाएगा OH H OH H। नहीं भाई ठीक है, इस तरीके का दिख रहा है ना, दूसरे में दिख रहा है ना, देखो दूसरा वाला सही है फाइनली। ठीक है, और ये सब गलत हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टू हमारा जो होगा एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, इसको ध्यान देना। ठीक है, मतलब जो डी ग्लूकोज होता है इसका जस्ट मिरर इमेज क्या होता है, एल ग्लूकोज होता है, तो इसलिए फाइनल आंसर टू हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड का जो स्ट्रेंथ है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बेसिकली अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा CO का होता है, देन इससे कम CN का होता है, फिर H2O आते हैं, Cl का तो सबसे बेकार होता है, यही इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो कुछ चीजें तो याद रहनी चाहिए ना, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। आगे चलते हैं, इसमें मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, कितना यहाँ पे निकालने के लिए 585, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 5.8 हो जाएगा, अब इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 58.5 इंटू 500, ये ml है, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आसान तरीके से, 5.85, ठीक है, डिवाइडेड बाय 58.5, फिर डिवाइडेड बाय 5000, फिर इसको अब लीटर में चेंज करेंगे तो कितने से कन्वर्ट करते हैं, 1000 से, तो अब तुम जब क्या करोगे, ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो 1000 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 500 यहाँ पे आ जाएगा, तो वही चीज है। ठीक है, अब 58.5 क्या है, NaCl का मोलर मास है, तो जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा,
0.1 × 2 यानी 2 0.2 मोलर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, एकदम आसान था ये मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी से है जहां तक है सामान्य ज्ञान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव लक्सेन टेस्ट, यूरिया, एजोबेंजीन, हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन। तो बेसिकली जो फिनाइल जो हाइड्राजिन होता है इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, तो जब इसका सोडियम मेटल के साथ फ्यूजन कराएंगे तो NaCN का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब यही नहीं देता है। बाकी कार्बन यूरिया में भी प्रेजेंट है, एजोबेंजीन में भी, फिनाइल हाइड्राजिन में, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यही बताया गया था। 13 क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज दैट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बताना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। तो फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे CN- है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होते हैं। तुम क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पता चल जाएगा। O2-2 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड 0 होते हैं। O2+2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और NO- में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर अनपेयर्ड केवल एक पूछा गया है, तो O2+ होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ऑर्बिटल थ्योरी जो है MOT, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, इसका पता चल जाएगा तुम लोगों को। आगे चल रहे हैं, कुछ तुम लोग थोड़ा अपने से भी मेहनत करो। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड दिया है, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो पहली बार एल्कोहलिक KOH क्या करता है हमारा पता है ना, एल्कोहलिक KOH हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, इसका मतलब यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड आने वाला है, एल्कीन बन जाएगा, यहाँ से BR, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा भाई। तो जब एल्कीन बन जाएगा, एल्कोहलिक KOH लेके आओगे, कई बार मैंने बता रखा है एल्कोहलिक KOH इलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये A हो जाएगा। जब HBr लेके आओगे तो यहाँ पे अटैक करा दोगे, स्टेबल कार्बोकेटान यहीं पे बनेगा। जब स्टेबल कार्बोकेटान बनेगा, H+Br- यहीं पे अटैक करेगा, तो स्टेबल कार्बोकेटान बनने के कारण यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और ये जो हमारा B बना है, तो ये देखो P था, अब A से B बन गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो P और B में रिलेशन पूछा है, तो एक तरीके से देखोगे तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये जो Br है फंक्शनल ग्रुप, इसके पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन पे लगा, इस कार्बन पे आ गया, तो यानी केवल पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे, तो तीसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। यहाँ पे देखो डाटा दिया है, फाइंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, इथीन में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन फाइंड आउट करना है। तो इथीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, C2H4 होता है, ये हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करने का वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, डेल्टा एच यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस डेल्टा एच हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन माइनस डेल्टा एच कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन माइनस 2 डेल्टा एच कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब इनमें डाटा पुट करते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हाइड्रोजन इनका डाटा वगैरह दिया है, तो फॉर्मूला डाटा ले लो यहाँ से, 600 हो जाएगा डबल बॉन्ड वाले का, 600 दिया है ना भाई साहब, देखो इसका कितना हो जाएगा 400, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 400 दिया है, 400 लिख लो, फिर 400 के बाद माइनस 350 दिया है, देखो कार्बन कार्बन सिंगल का 350 माइनस 2 और 410 दिया है कार्बन हाइड्रोजन का, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 170 किलो जूल पर मोल आ जाएगा।
तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चल दो। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटॉन हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 900 सेकेंड इनवर्स। तो बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना। तो एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। लेमडा इधर ले लो, लाइट का स्पीड कितना होता है, 3×10⁸ होता है मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। 900 दिया है, सॉल्व करो, 3×10⁸ बटे में 900, तो कितना हो जाएगा, 3×10⁶ आ जाएगा। वो दो ऊपर ले जाओ, जीरो कम कर दो, इतना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो फाइनली अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/3×10⁶ आ जाएगा। अब जब इसको और थोड़ा तोड़ो ताड़ोगे, 6, 3.33 मीटर। तो कहाँ पे दिया है ये, 2 में दिया है, 3.33×10⁵ मीटर में है ना। तो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट वाला। आगे चल दो बेटा, ये सब गलत है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना तुम लोग। YNH4Cl is added before NH4H for the PPT of Fe+3 ion. इसको सॉल्व करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4+ OH-, इसमें ब्रेक होंगे। अब जो NH4+ है, NH4Cl है, ये NH4+ और Cl- में ब्रेक होगा। सॉलिड NH4Cl जब ऐड करोगे अमोनिया हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो वो डिक्रीज कर देगा OH- आयन का कंसंट्रेशन कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो फाइनली हमारा जो आंसर सही होगा फर्स्ट होगा, तो डिक्रीज OH- आयन कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई अननोन रिएजेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। चलो यहाँ पे रिएजेंट को चेक करते हैं बेचारा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन भी गिवन है, लेकिन ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं। ए यहाँ पे बोला गया है डाइल्यूट इक्वस NaOH एट 20°C। बी को बताया गया है HBr CH3COOH। दूसरे में डाइल्यूट इक्वस NaOH ही बोला गया है, बस बी में बोला गया है Br2 CHCl3। ऐसे ही चार ऑप्शन दिया है बेटा, लेकिन हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। टाइम टेकन हो जाएगा चारों ऑप्शन लिखने में। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2Br। अगर हम इसको एल्कोहलिक NaOH के साथ ट्रीट करेंगे 80° पे, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ये P है। अब इस एल्कीन पे अगर हम यहां पे लेके आए HBr एसिटिक एसिड के साथ में, तो यहां पर इस तरीके से CH3 CH CH3, यहां पे लग जाएगा Br। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो बना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज किया गया हमें ये बताना था। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिएजेंट है एल्कोहलिक NaOH है 80° पे, ठीक है। इसके बाद ये ए था, बी क्या है HBr है और एसिटिक एसिड है। इसी तरीके से चार ऑप्शन था, तो उसमें से एक ये वाला ऑप्शन सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर बात करेंगे। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन एनिलीन है, ये यहाँ पे दिया है, मैच कराना है। तो जो नाइट्रोबेंजीन है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये -R ग्रुप के जैसा काम करता है। नाइट्रोबेंजीन में जो NO होता है NO2, ये -R ग्रुप है। तो बेसिकली 1 का फर्स्ट कहाँ पे जाएगा, B में जाएगा। एनिलीन है, तो एनिलीन जो है
एनिलीन में बेंजीन के रूप ऊपर NH2 होता है, NH2 हमारा प्लस R ग्रुप है, तो बेसिकली 2 का मैच कहां पे जाएगा, A में जाएगा। अब देखेंगे 3 जो है, 3 जो है बच्चों, यहां पर ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दिखा रहा है, तो 3 का कहां पे जाएगा, C में चला जाएगा। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा कहां पे चला जाएगा, D में चला जाएगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दिखा रहा है, ये नेगेटिव को दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर ऑर्डर बनाए, 1 का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का सी, 4 का डी, तो ये हमारे बनेंगे ऑर्डर। और इस तरीके का ऑर्डर कहां है, फर्स्ट में है, तो फाइनली फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल मेजर प्रोडक्ट, यहां पर बोला है इनमें से मेजर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो जरा ध्यान से समझेंगे। दूसरे वाले में NaNO2HX लिया है, मतलब सोडियम नाइट्राइट और HX लिया है, तो फाइनली यहाँ पे दूसरा वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ये भी मेजर है, ये भी मेजर है, ये भी है, दूसरा वाला नहीं है बच्चों। दूसरे वाले का जो मेजर होगा मैं आपको बताता हूँ, जैसे CH3 है, CH2 NH2, जब इसको NaNO2HX के साथ ट्रीट करोगे ना, तो बेसिकली होता क्या है, डाइजोनियम साल्ट बनता है, फिर वाटर वगैरह के ट्रीटमेंट के बाद वाटर का आना जाना दिल पे नहीं लेना है, एल्कोहल बन जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो ये हमारा मेजर होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, तो फाइनल दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जरा तीनों का स्ट्रक्चर बना लो। Cl है, लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव, दूसरे में Cl है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, तीसरे में NH3 है, और क्या है, NO2 है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एक लोन पेयर, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, वैसे भी पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं है, ठीक है, तो 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 4 के रिस्पेक्ट में sp3 बनेगा, 4 मतलब स्टेरिक नंबर, यहाँ पे 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 4 के रिस्पेक्ट में sp3 बनेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी sp3 होता है, 3 सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा, 1 लोन पेयर, तो बेसिकली यहाँ पर 3 sp3 है बच्चों, और ये NO तो ये sp हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16, जब इसका DU निकालेंगे तो 0 आएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और बनाएंगे तो टोटल स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा बच्चों 5 बनेगा, एक आध दो बना के मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो एक बन जाएगा CH3 CH2 CH2, कितना है 7 है ना, 2 2 4 5 6 7, एक ये बन जाएगा, एक एल्काइल चैन कम कर दो, 6 का बना दो, 4 5 6 ए बन जाएगा, तीसरा अगर बनाओगे तो तीसरा में फिर एक मिथाइल ग्रुप कम कर देना यार, तो यहाँ पे CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, देखो ये लगा देना। अब अगर चौथा बनाओगे तो ऐसे बनाना CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे लगा दो CH2 CH3, देखो 4 बन गया, 5 6, टोटल 9 बनेगा मेरे हिसाब से, टोटल जो फाइनली बनेगा, DU 0 आ रहा है ना, टोटल 9 बनेगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, बनाना तुम लोग ऐसे ही बनाना। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, दे ब्रोगली बराबर 2 पाई आर एन हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई एन इंटू 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम में सॉल्व करोगे, या इसी एक फॉर्मूला और होता है देख लो, दे ब्रोगली बराबर 2 पाई इंटू एन इंटू ए नॉट एंगस्ट्रॉम में, तो 2 पाई इंटू 4 इंटू ए नॉट ए, तो कितना आ जाएगा 8 पाई ए नॉट एंगस्ट्रॉम में, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे फिलअप करना है कितना 8। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 50 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन विथ 20 ml ऑफ 2 मोल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज x इनटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर, द वैल्यू ऑफ x इज, यहां पे बताना है, तो पहले यहां पे MnO4 माइनस इक्वस C2O4 माइनस 2 ऑक्सैलिक एसिड इक्वस H प्लस मिलो Mn प्लस 2 में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, इसमें इसका n फैक्टर क्या होगा 5 और इसका क्या होगा 2 होगा, 5 इंटू एम के MnO4 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 2 n फैक्टर, तो यहां पर जब सॉल्व करोगे के एम एन ओ फोर 8/25 32 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर ये आ जाएगा, तो यानी एक्स जो है यहां पे कितना आएगा 32 आएगा बेटा। आगे चलते हैं, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन गिवन है, ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप 2 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नियरेस्ट इंटीजर अपने को बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, तो 2 इज इक्वल टू 0.52 इंटू मोलैलिटी, यही है ना, यहां पे दिया है के बी का वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी कितना जाएगा 3.846। अब यहाँ पे एक्स सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा एम मोलैलिटी, फिर मोलैलिटी 55.5 0.0648 हो जाएगा, तो यानी 760 माइनस, यहाँ पे ये दिया है प्योर वाटर का, एक्स कर देंगे 760 0.0648 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन 10.474 mmHg, तो अप्रोक्स कितना आएगा 711 mmHg, इतना आएगा। आगे चलते हैं, MnO2 KOHO2a a disproportionate into b and c, find the sum of magnetic moment spin only, मैग्नेटिक मोमेंट का स्पिन बताना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है जरा ध्यान दो, MnO2 है इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट कैसे होता है ये भी समझा देता हूं, O2 है 4KOH प्लस O2 बनाएगा K2MnO4 प्लस 2H2O बना लेगा, ये हमारा A है, ठीक है, तो इसमें हमारा जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो इसमें हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले थ्री एम एन फोर माइनस टू एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 डिस्प्रोपोर्शनेशन में कहीं एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है बेटा, तो अब जरा ध्यान से समझ लेना इसको, तो यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा, बी और सी क्या है, ये हमारा है बी सी, देखो MnO2 है
Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैग्नीज का, 3d5 4s2, दो एक तीन इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, तो फाइनली अगर मैंगनीज का देखोगे 25 होता है, 3d5 4s2, दो यहां से और एक चार है ना, तो दो यहां से चल जाएगा, तो 3d3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट वाला फॉर्मूला लगाना ऐसे रूट में n(n+2bm) करके, तो तुम्हारा जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 3.87 bm आएगा। तो जब इसका नियरेस्ट इंटीजर निकालोगे तो चार मान सकते हो, अप्रोक्स कितना मान लोगे, चार मान लोगे, ठीक है। इनका सम टोटल मैंने बताया, आगे देखो 27। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, उससे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे जो VH2O6+2 है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2SP3 होगा, n का वैल्यू उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। इसके बाद जो FeH2O6 है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन SP3D2 होगा और जो n का वैल्यू होगा वो 4 होगा, 4 होगा। CuH2O इसमें क्या हो जाएगा, होल 6 में SP3D2 होगा और n का वैल्यू 1 हो जाएगा। NiH2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D2 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। CrH2O वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D2 हो जाएगा और n का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हैं, 3 है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ये देखो इक्विलिब्रियम से है शायद, हाँ ये कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है क्या, हाँ केमिकल काइनेटिक्स, देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जो है इफेक्टिव बराबर कुल वैल्यू ऐड करना है बस, यहाँ पे इसको इसमें से 3 वाला माइनस कर दो तो 400 बराबर 300 प्लस 200 EA3 पूछा है ना, तो EA3 तो EA3 कितना आएगा, 100 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, तो सबसे पहले NaNO2 ले लो, HCl के साथ रिएक्शन कराओ, NaCl HNO2 बनेगा, C2H5NH2 ले लो इथाइलेमीन, HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ, C2H5OH बनेगा, N2 गैस बाहर निकलेगा, वाटर यहाँ पर हो जाएगा। मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस, तो कितना हो जाएगा, 2.24 अपॉन में गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, 0.1 मोल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग मोल्स ऑफ C2H5NH2 यूज्ड की बात करेंगे तो कितना होगा, 0.1 होगा, तो मास ऑफ C2H5NH2 की बात कर देंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे तो 45 × इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 ग्राम आ जाएगा। तो सो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2 × 4.5, यानी फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों, कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। तो टोटल तो वैसे 30 क्वेश्चन थे, 30 थे, लेकिन अपने को 29 ही मिला, तो इसलिए केवल 29 ही मैंने लेकर के आया हूँ, तो इसको ध्यान देना। तो ये अभी जो कल एग्जाम हुआ था जेईई मेंस का 4 अप्रैल को, मॉर्निंग वाला शिफ्ट था, तो उसी में ये सारे के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए थे। आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस थोड़ा सा याद नहीं रहता है सब कुछ एक साथ, लेकिन पेपर बढ़िया था बेटा, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। टोटल 29 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मिसिंग है, नहीं मिल रहा था, जैसे ही मिल जाएगा मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।